सो गाइस, आप लोगों ने वी बैच के बारे में तो सुना होगा और आप लोगों को ये भी पता होगा कि वी बैच किसको मिलता है। जी हाँ गाइस, पार्टनर प्रोग्राम वाले यूट्यूबर को वी बैच मिलता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे यूट्यूबर से मिलाने वाला हूँ जो पार्टनर प्रोग्राम में होने के बावजूद भी उनके आईडी पे वी बैच नहीं है। लेकिन उससे पहले क्या आपको पता है हमारे पूरे इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी से सबसे पहले पार्टनर प्रोग्राम के लिए किस यूट्यूबर को इन्विटेशन आई थी, मतलब किस यूट्यूबर को सबसे पहले पार्टनर प्रोग्राम में लिया गया था? आप लोगों में से काफी सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगा, सो डोंट वरी। तुम्हारा सोनू भाई है ना, तो पूरे इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी में सबसे पहले पार्टनर प्रोग्राम वाले यूट्यूबर ज्ञान गेमिंग थे। और ज्ञान गेमिंग को उस टाइम पे पार्टनर प्रोग्राम की तरफ से कस्टम रूम कार्ड मिले थे, जबकि पूरे इंडियन सर्वर में किसी के पास भी कस्टम रूम कार्ड नहीं था। लेकिन ज्ञान गेमिंग इतना पुराना गरीना का पार्टनर होने के बावजूद भी उनके आईडी पे वी बैच क्यों नहीं है? आप लोगों को लगता होगा कि ज्ञान गेमिंग पार्टनर प्रोग्राम से निकल चुके हैं, इसीलिए उनके आईडी पे अभी के टाइम पे वी बैच नहीं है। लेकिन नहीं, ज्ञान गेमिंग अभी भी पार्टनर प्रोग्राम में है। इसका प्रूफ देता हूँ, अगर ज्ञान गेमिंग पार्टनर प्रोग्राम में नहीं होते तो आज इनको ड्राको एक ब्रेक डांसर बंडल गिव अवे करने का मौका नहीं मिलता। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ज्ञान गेमिंग अभी भी पार्टनर प्रोग्राम में है और सबसे पुराने गरीना के पार्टनर है। लेकिन ज्ञान गेमिंग को ही वी बैच क्यों नहीं दिया गया, इसका वजह जान के आप चौंक जाओगे। पार्टनर प्रोग्राम में कुछ रूल्स होते हैं जो कि हर एक पार्टनर प्रोग्राम वाले यूट्यूबर को फॉलो करना होता है, लेकिन हमारे ज्ञान भाई ने उस रूल का उल्लंघन किया। ये थंबनेल देख रहे हो, आज इसी वीडियो के वजह से ज्ञान भाई को वी बैच नहीं दिया जाता। कुछ लोगों का कहना यह था कि इस वीडियो के वजह से ज्ञान भाई को वी बैच नहीं दिया, लेकिन नहीं, वो वीडियो ये था, इसका डेट देख सकते हो। ये वीडियो 8 महीने पहले अपलोड हुई थी और ये 4 महीने पहले ज्ञान भाई को लाइव स्ट्रीम पे एक हैकर ने मारा था। तो ज्ञान भाई ने उस हैकर के ऊपर वीडियो बनाया था और गरीना को पता चल गया, तो गरीना ने ज्ञान भाई को 2 महीने के लिए पार्टनर प्रोग्राम से बैन कर दिया। लेकिन ज्ञान भाई का बैड लक, उसी 2 महीने में पार्टनर प्रोग्राम में वी बैच भी आ गया। लेकिन उस टाइम पे ज्ञान भाई पार्टनर प्रोग्राम से बैन थे, तो उसी वजह से ज्ञान भाई को वी बैच नहीं मिला। लेकिन अगर चाहे तो गरीना अभी भी ज्ञान भाई को वी बैच दे सकता है, लेकिन क्यों नहीं देता? ज्ञान भाई को वी बैच ना मिलने का और एक वजह है जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, तो मैं आप लोगों को लास्ट में एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूँ, तब जाके आप समझोगे, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये तो आप लोगों ने जान लिया कि ज्ञान गेमिंग पूरे इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी के सबसे पहले पार्टनर प्रोग्राम वाले यूट्यूबर थे। लेकिन क्या आपको पता है पूरे इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी में सेकंड पार्टनर प्रोग्राम वाले यूट्यूबर कौन थे, मतलब ज्ञान गेमिंग के बाद किस यूट्यूबर को पार्टनर प्रोग्राम में लिया गया था? आप लोगों में से काफी सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगा। तो सेकंड पार्टनर प्रोग्राम वाले यूट्यूबर टू साइड गेमर थे। लेकिन कैसे, ये राज आप लोगों में से काफी सारे लोगों को पता नहीं होगा। आप लोगों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मुंह से तो सुना होगा कि पहले ज्ञान गेमिंग और टू साइड गेमर काफी अच्छे फ्रेंड थे। जी हां गाइस, ज्ञान गेमिंग ने ही टू साइड गेमर को बनाया। ना जाने ज्ञान गेमिंग ने आज तक कितने बंदे को यूट्यूबर बनाया, उसी तरह टू साइड गेमर को भी एक टाइम पे ज्ञान गेमिंग ने जीरो से हीरो बनाया था। और जब ज्ञान गेमिंग पार्टनर प्रोग्राम में घुसे तो ज्ञान गेमिंग ने टू साइड गेमर के बारे में पार्टनर प्रोग्राम वालों से बात किया, तब जाके टू साइड गेमर को भी पार्टनर प्रोग्राम में लिया था। लेकिन क्या आपको पता है टू साइड गेमर का भी एक टाइम पे वी बैच छीना गया था, मतलब टू साइड गेमर का वी बैच गरीना ने वापस ले ली थी। जी हां गाइस, टू साइड गेमर ने गरीना के खिलाफ बोला था, तो ऋतिक और जस दोनों भाइयों की वी बैच गरीना ने वापस ले ली थी। लेकिन कुछ महीने बाद फिर से इन दोनों भाइयों की वी बैच गरीना ने वापस कर दी। लेकिन अभी सोचने वाली बात यह है कि टू साइड गेमर को अपनी वी बैच वापस मिल सकता है तो ज्ञान गेमिंग को क्यों नहीं मिल सकता? अगर गरीना चाहे तो ज्ञान गेमिंग को अभी के अभी वी बैच दे सकता है। गरीना के लिए वी बैच देना कौन सी बड़ी बात है, हमारे लिए वी बैच बड़ी बात है, लेकिन गरीना के लिए वो सिर्फ एक बैच ही तो है जो हर एक पार्टनर प्रोग्राम वाले यूट्यूबर को देता है। तो मैं बता दूं, गरीना ज्ञान गेमिंग को वी बैच क्यों नहीं देता? जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, हैकर वाली वीडियो को लेकर ज्ञान गेमिंग को 2 महीने के लिए पार्टनर प्रोग्राम से बैन कर दिया था। और उसी के साथ साथ ज्ञान गेमिंग को ये भी बोला गया था कि हम आपको इस गलती के वजह से कभी भी वी बैच नहीं दे सकते, क्योंकि आप इतने बड़े क्रिएटर, इतने पुराने हमारे पार्टनर हो के आप ऐसे गलती कैसे कर सकते हो? तो क्या आपको ये बात पता थी? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अभी बात करते हैं एज गेमिंग के बारे में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, एज गेमिंग पहले पार्टनर प्रोग्राम में थे, बट उनको पार्टनर प्रोग्राम से किक कर दिया गया और आगे उनको कभी भी पार्टनर प्रोग्राम में लिया नहीं गया। लेकिन क्यों, इतना बड़ा क्रिएटर अगर एज गेमिंग पार्टनर प्रोग्राम में जाते तो गरीना की भी फायदा होगी और साथ ही साथ एज गेमिंग का भी। जब एज गेमिंग को पार्टनर प्रोग्राम से किक कर दिया था, तब एज गेमिंग का 4 मिलियन सब्सक्राइबर था और अभी 12 मिलियन सब्सक्राइबर है। लेकिन फिर भी एज गेमिंग को वापस पार्टनर प्रोग्राम में क्यों नहीं लिया जाता? इसका मेन कारण आप लोगों को आज तक किसी ने भी नहीं बताया होगा, बस आप लोगों को ये पता होगा कि एज गेमिंग को क्लिकबेट की वजह से पार्टनर प्रोग्राम से किक कर दिया था। एज गेमिंग ने फ्लेमिंग फिश की कोड को टाइटन स्कार का कोड बता के फेक गिव अवे किया था, उसके वजह से गरीना ने एज गेमिंग को पार्टनर प्रोग्राम से किक कर दिया। बस इतना ही पता होगा आप लोगों को, है ना? तो मैं बता दूं, एज गेमिंग को जब उसकी गलती के वजह से पार्टनर प्रोग्राम से निकाल दिया था, तब एज गेमिंग काफी ज्यादा गुस्से में आके पार्टनर प्रोग्राम वाले को काफी कुछ बोलते है, एक तरफ से देखा जाए तो डिसरेस्पेक्ट और गाली गलौज। तो यही वजह है गरीना ने आज तक एज गेमिंग को पार्टनर प्रोग्राम में वापस नहीं लिया, नहीं तो यार 12 मिलियन सब्सक्राइबर
समय भरेगा, रीना थोड़ी ना चुप बैठेगा, एस गेमिंग को किसी ना किसी तरह पार्टनर प्रोग्राम में बुला ही लेता। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और भी आप लोगों को इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से 200 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। तो मिलते हैं किसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, आज के लिए इतना रहा, बाय बाय।